नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें, एंड मार्किंग स्कीम इज प्लस फोर माइनस टू, सही के लिए प्लस फोर और रॉन्ग ऑप्शन के लिए माइनस टू मार्क्स. तो द क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी, इलेक्ट्रिक करंट आई, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, परमिएबिलिटी म्यू नॉट एंड स्पीड ऑफ लाइट सी, द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज आर. मोर देन वन ऑप्शन है, ये ऑप्शन है म्यू नॉट आई स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, ये सब सारे ऑप्शन है. तो इसमें चेक करना है कि कौन सा सही है. अब सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव करने में हमको ये देखना होगा कि कैसे शॉर्टकट अप्रोच करते हैं. म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, करीब करीब सारे में है. तो बेहतर है कि हम लोग सबसे पहले म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लें इन टर्म्स ऑफ बी आई या जो भी क्वांटिटी है, फिर उसके बाद सोचा जाएगा. तो देखिए, सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है. तो हम जानते हैं क्या होता है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, और इसको ये करेंगे तो ये क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट, अब यहां से एनर्जी क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो इसको इन टर्म्स ऑफ फोर्स ही हम रखते हैं, ठीक है, इसको इन टर्म्स ऑफ फोर्स रखा जाए. तो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय डेंसिटी लेंथ क्यू, राइट. और ये देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, तो यहां से क्या होगा, ई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ई स्क्वायर क्या होता है एफ बाई क्यू. तो यहां से एक बार में हम करेंगे कि और एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ दिस इज एफ बाई एल स्क्वायर, देखिए एफ एल क्यू बाई एल, एफ एल बाई एल क्यू है, इन टू नीचे में आ जाएगा वन अपॉन ई स्क्वायर. तो ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो दिस विल बी एफ स्क्वायर इन टू क्यू को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट. क्यू को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर टी स्क्वायर. तो रफली ये हमारा हो गया, एफ से ये स्क्वायर कट गया, तो दिस विल बी आई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू एफ, ये आ गया आई स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर वन. सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक बॉडी के लिए या चार्ज मैग्नेटिक बॉडीज के लिए क्या होता है, दिस इज बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, सेम होता है बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट. तो ये यही हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ बाई एल स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी होता है, राइट. अब ये देखिए यहां से बी स्क्वायर करेंगे तो हमको म्यू स्क्वायर की बात करनी है, तो डायरेक्ट यहां से म्यू नॉट का डायमेंशन लिख सकते हैं, म्यू नॉट को राइट साइड में ले जाएंगे, तो दिस इज एल स्क्वायर बाई एफ, दिस इज एल स्क्वायर, देखिए ये एल स्क्वायर बाई एफ. और देखिए बी का डायमेंशन क्या होता है, बी का डायमेंशन होता है इन टर्म्स ऑफ आई एल, एफ इज इक्वल टू फोर्स ही निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी. तो यहां से बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एफ बाई आई एल, तो बी स्क्वायर नीचे जाएगा म्यू नॉट के, या बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू एफ बाई आई एल, राइट, बी इज इक्वल टू एफ बाई आई एल. तो अब यहां से म्यू नॉट इधर चला गया, इसको ऐसे लिखे हैं, तो एफ बाई एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर पे जाकर क्या लिख देंगे, दिस इज एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर एल स्क्वायर. तो देखिए यहां से क्या हुआ, ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया और एफ से एफ स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो दिस इज एफ बाई आई स्क्वायर, दिस इज एफ बाई आई स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. तो अब यहां से हम करेंगे देयरफॉर, देखिए अब सारे ऑप्शन में है हमारा म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से हम निकालें दिस इज म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा,
म्यूनट बाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहां से म्यूनट का डायमेंशन है ए बाई आई स्क्वायर, ए बाई आई स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है देखिए आई स्क्वायर टी स्क्वायर नीचे में है, तो दिस इज आई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एफ, राइट इंटू एल स्क्वायर एफ, तो दिस विल बी एफ स्क्वायर एल स्क्वायर आई पावर फोर टी पावर टू। तो ये देखिए अब क्या हो जाएगा, अब ये एफ स्क्वायर है तो एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस टू का स्क्वायर एफ हो गया ये इंटू एल स्क्वायर, तो इंटू एल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई आई पावर फोर इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए यहां से सिंप्लीफाई करेंगे एक एक टर्म को तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी एम स्क्वायर, दिस विल बी एम स्क्वायर, एम वाला स्क्वायर है, अब एल में देखिए एल स्क्वायर है एल स्क्वायर है और नीचे में कोई टर्म नहीं है, तो दिस इज एल का पावर फोर, एल का पावर फोर, ठीक है। टी का पावर देखिए टी का पावर माइनस टू का स्क्वायर है तो दिस इज माइनस टू, तो माइनस फोर हो जाएगा और टी ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू, तो टी का पावर हो गया माइनस सिक्स और आई का पावर माइनस फोर एंड आई पावर माइनस फोर, राइट आई पावर माइनस फोर, ये हो गया डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आइए हम एक एक करके चेक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन वन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है कि दिस इज म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, तो इसका आर एच एस ये करते हैं क्योंकि एनएचएस में तो जब ये करेंगे तो म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया जिसका डायमेंशन ये है और वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, तो अगर हम ए से हमको यही कंक्लूजन मिलेगा, देखिए यहां से एक बार लिख लेते हैं कि म्यू नॉट आई स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, तो यहां से क्या मिलेगा म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आई स्क्वायर वी स्क्वायर, तो म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम एलएचएस में कर रहे हैं तो ये डायमेंशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, देखिए वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर का डायमेंशन हमको कैलकुलेट करना है, राइट तो हम केवल आरएचएस पार्ट का ये कर रहे हैं कि वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, अगर इसका डायमेंशन म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया तो समझिए ये सही है, इसका डायमेंशन अगर इसके बराबर आ गया तो वी क्या होता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, तो ये वी इज इक्वल टू देखिए दिस इज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर मीन्स आई टी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर टी स्क्वायर, ये भी क्या हो गया और डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर वन बाई आई स्क्वायर ये हो गया। अब डब्ल्यू का चलिए अब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो दिस इज डब्ल्यू स्क्वायर एम एल टी माइनस टू ये फोर्स हो गया और ये स्क्वायर कर दिए तो ये डब्ल्यू ये स्क्वायर, राइट और ये हो गया आई पावर फोर एंड दिस इज टी स्क्वायर, राइट देखिए वही चीज आ गया यहां पर दिस इज ए बाई आई स्क्वायर, राइट तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज एम स्क्वायर एल पावर फोर टी माइनस सिक्स इन टू आई पावर माइनस फोर, ठीक है देयरफॉर यहां से क्या हो गया देखिए बी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर का डायमेंशन म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए यहां म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आई बाई बी है, यहां पर अगर बी की हम बात करें तो म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट देखिए यहां से बी की बात करें म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज आई बाई बी तो अब ये क्या है म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, तो आई बाई बी ये गलत हो जाएगा और इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया ऑप्शन बी हो गया रॉन्ग, ऑप्शन बी हो गया हमारा रॉन्ग, राइट। अब चलिए ऑप्शन सी की बात करें हम तो ऑप्शन सी में फिर क्या है हमारा कि देखिए आई इज इक्वल टू म्यू नॉट
सी वी, आई इज इक्वल टू म्यू नॉट सी वी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दिस विल गिव आई बाई वी इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट इनटू सी। सी से हमको क्या मिलेगा, सी से मिलेगा, देखिए बेटर है यहां पर करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है अभी, राइट, ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन रॉन्ग है। अब चलिए यहां से क्या मिलेगा सी वाले में, आई बाई वी इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट सी, यहां से मिला हमारा आई बाई वी इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट टाइम्स सी, एप्साइलन नॉट इनटू सी, और सी को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई म्यू नॉट इनटू एप्साइलन नॉट, राइट। इसको अगर इधर से ले जाएंगे, इसको अगर इधर से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे तो दिस विल बी एप्साइलन नॉट स्क्वायर, एप्साइलन है तो रूट के अंदर ले जाएंगे तो इतना म्यू नॉट इनटू एप्साइलन नॉट, और ये देखिए स्क्वायर कर देगा एप्साइलन नॉट से, तो दिस इज ये, और इसका अगर पूरे दिस इंप्लाई दैट, देखिए पूरा अगर इसका स्क्वायर कर दें, पूरा इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या एक राउंड लिख लेते हैं कि दिस इज आई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज एप्साइलन नॉट इंटू म्यू नॉट। तो देखिए वन सही है, आई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट म्यू नॉट, अगर वन सही है तो सी में भी वही रिलेशन आ गया, यहां से हम ये कह सकते हैं कि म्यू नॉट बाई एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर सेम एज ए, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम ये करते हैं डी ऑप्शन को, राइट, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए डी ऑप्शन यहां से करें म्यू नॉट बाई एप्साइलन नॉट, ऑप्शन डी म्यू नॉट बाई एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट बाई एप्साइलन नॉट दिस इज वी बाई सी आई, दिस विल बी वी बाई सी आई। अब चलिए वी का डायमेंशन हो गया, देखिए वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, राइट, वी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दिस इज डब्ल्यू बाई क्यू, यानी डब्ल्यू बाई क्यू, तो एम एल टी स्क्वायर फोर्स इन टू एल कर देंगे तो ये W हो गया बाई क्यू, क्यू मीन्स आई टी और नीचे में वन बाई सी है, सी स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस वन, राइट, स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस वन आई इन टू आई, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले M की हम बात करें तो दिस इज M, दिस इज M, राइट, और एम एल की जब बात करेंगे तो देखिए यहाँ ऊपर में एल स्क्वायर है और नीचे में एल है, तो ये एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, और टी की जब बात करेंगे तो टी देखिए ऊपर में टी स्क्वायर है और नीचे में टी टी तो कैंसिल ही हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज टी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आई माइनस टू। तो म्यू नॉट बाई एप्साइलन नॉट का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ये उसके इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है ए एंड सी। ओके।